मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के लाइफ मैनेजमेंट में मैं कल के ही विषय को आगे बढ़ाना चाहूंगा और कल का विषय आप जानते हैं था अकेलेपन की ताकत। तो अकेलेपन की ताकत पर अभी हम लोग कुछ और बातें करेंगे। और कल मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इस समस्या से जुड़ी हुई अपनी बातों को, अपने अनुभवों को, अपनी समस्याओं को मेरे पास लिखकर भेजें और ताकि मैं उन पर्टिकुलर समस्याओं को लेकर आपसे इस इशू पर बात कर सकूं, क्योंकि मुझे यह समस्या बहुत ही गहरी समस्या दिखाई देने लगी है। तो मित्रों, कल ही मैंने ये बात कही थी तो अभी मेल उस तरीके से नहीं आए हैं। सच पूछे तो थोड़ा मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी ओर से कुछ बातें डेफिनेटली इसी विषय पर आप सबके सामने और रखना चाहूंगा। मित्रों, मुझे नहीं मालूम कि आप को जो ये अकेलेपन का जो अवसर मिला है, जो अपॉर्चुनिटी मिली है, इसे आप कैसे लेते हैं। अगर मैं अपनी तरफ से जवाब देना चाहूं इसका, या मुझे ऐसा अवसर मिला होता तो मैं डेफिनेटली इसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहता, एक स्वर्णिम अवसर। आप सोच कर देखिए, इस तरह का मौका कितने लोगों को मिलता है, कितने लोगों को उनके पेरेंट्स बाहर भेजने की हिम्मत जुटा पाते हैं और साथ ही साथ बाहर भेजने में सक्षम होते हैं, सोच कर देखिए। लेकिन आपको यह मौका मिला है, चाहे जैसे भी मिला हो, लेकिन अवसर मिला है। हमारे साथ दिक्कत जो होती है फ्रेंड्स, वो ये होती है कि हम पूरी तरह से तत्काल को देख रहे हैं या उस तत्काल में हम अपने भविष्य को देख पा रहे हैं। देखिए, जिसे हम भविष्य दृष्टा कहते हैं, भविष्य दृष्टा क्या है कि वह अपने भविष्य को देख पा रहा है, और भविष्य को देखने के लिए कोई ग्रहों की स्थिति को जानना जरूरी नहीं है। हमारा जो वर्तमान है, हम अपने वर्तमान में जो कुछ कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, वही भविष्य में फलीभूत होगा। अगर हम इस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं तो मुझे लगता है कि हम सब भविष्य दृष्टा बन सकते हैं, हमें किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी जो कुछ कर रहा हूं, मैंने जो बीज धरती पर डाला है, वही आगे चल करके अंकुरित होगा, पेड़ बनेगा और फल देगा। तो कहीं ना कहीं हम भविष्य को देख सकते हैं। होता यह है कि जब हमारे पास अकेलेपन का संकट आता है, या हम जब अकेले होते हैं, तो हम पूरी तरह से अपने वर्तमान में खो जाते हैं। वर्तमान में खोना अच्छी बात है, लेकिन वो क्रिएटिव होना चाहिए, वो रचनात्मक होना चाहिए। हमें लगता है कि अरे बाप रे, अकेले हैं, डर लग रहा है, कोई सपोर्ट नहीं, इतना बड़ा शहर है या बिल्कुल अनजानी जगह है, कोई पूछने वाला नहीं, न मैं किसी को जानता, न कोई मुझे जानता, जबकि मैं अपनी जगह पर था, हर लोग जानते थे, निकलते थे तो दुआ सलाम होती थी, बैठकर बात करते थे, हालचाल पूछा जाता था, कोई संकट खड़ा हो जाता था तो लोग आ जाते थे, अस्पताल में भर्ती होता था तो मिलने वाले लोग आते थे, यहां तो कोई भी नहीं है। ये रियल में अकेलेपन के एहसास के कारण है। तो अब होता क्या है कि लोग ये सोचने लगते हैं कि ये जो मेरे वर्तमान का अकेलापन है, ये जैसे कि पूरी जिंदगी भर चलेगा, ऐसे ही होगा, तो जिंदगी कैसे कटेगी। तो बट नेचुरल है कि फिर अतीत आपको बहुत याद आता है, इनफैक्ट बहुत याद ही नहीं आता है, बहुत सताता भी है। याद आना तो अच्छी बात है, याद आने का मतलब है कि आप अकेले नहीं है। याद रखिए कि स्मृतियों में वो सब चीजें हैं, और जब तक कोई स्मृति में है, ये मान करके चलिए कि वो आपके साथ है, भले ही वो सशरीर न हो, साकार रूप में न हो, लेकिन वो स्मृतियों में है। लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि हमारी आदत पड़ गई है कि जिसे हम देख सकें, जिसे हम छू सकें, जिसे हम बातचीत कर सकें, वही हमारे लिए होता है। स्मृतियों को हम अपने जीवन में स्थान नहीं देते। और मजेदार बात है कि फिर हम आध्यात्मिक जीवन की बात करते हैं, आध्यात्मिक जीवन अनुभव और स्मृतियों के सिवाय और है क्या। खैर, लेकिन यदि आप दूर दृष्टि रखते हैं तो अब आपको लगेगा कि नहीं, ये जो मेरा अभी का अकेलापन है, ये मेरे भविष्य का निर्णायक है, ये मेरे भविष्य का निर्माण करने वाला है। और तब जाकर के आप अपने इस अकेलेपन से जुड़ पाते हैं। जुड़ने का मतलब है कि आप इससे मोहब्बत कर पाते हैं, प्रेम कर पाते हैं, और इसे आप अपने एक अनुभव और स्तर पर लेते हैं और एक
अनोखे आप कह लीजिए कि अवसर के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज तो आपको ये अभिशाप लगता है, अभिशाप लगता है। मित्रों, मैंने एक किताब लिखी है, आप भी बन सकते हैं राम। भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर, जो रामचरितमानस में वर्णित है, उसको आधार बनाकर के मैंने ये किताब लिखी है। और राम के चरित्र के कुछ ऐसे बिंदुओं की तरफ मैंने पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है कि राम भी मूलतः एक राजकुमार ही थे, लेकिन वो भगवान कैसे बने। उसमें मैंने अकेलेपन की ताकत को बहुत विस्तार के साथ समझाया है। जरा सा आप सोच कर देखिए, राम को वनवास जाने की कतई जरूरत नहीं थी, क्योंकि दूसरा वरदान कैकेयी को दशरथ ने दिया ही नहीं था। एक वरदान तो दे दिया कि ठीक है, भरत को राज्य दे दिया जाएगा, भरत का राज्याभिषेक हो जाएगा, उस पर तो उन्होंने साइन कर दिए। लेकिन कैकेयी को तो आखिरी तक मनाते रहे ना कि भाई राम को वनवास मत भेजो, लेकिन कैकेयी नहीं मान रही है, लेकिन दशरथ भी नहीं मान रहे हैं, कैकेयी की बात नहीं मान रहे। तो आप ये बताइए कि जब उसकी कैकेयी की बात मानी ही नहीं गई तो राम का अनिवार्य तो नहीं था जाना। और आप जानते हैं कि दशरथ कैसे अंतिम क्षणों तक वो राम को रोकते रहते, लेकिन राम चल दिए, 14 साल के लिए चले गए। सोच करके देखिए, 14 साल के लिए, कल्पना करके देखिए, 1-2 दिन के लिए नहीं, 14 दिन के लिए नहीं, 14 महीने के लिए नहीं, 14 साल के लिए। और इससे पहले भी वो एकांत में जा चुके थे, घर बार छोड़ करके जब विश्वामित्र लेने आए थे तो ये उनके 14 साल के जाने का पूर्वाभ्यास था, तैयारी कर रहे थे कि मैं 14 साल जाऊंगा। तो मैंने उसमें बताने की कोशिश की है कि राम ने ये विकल्प चुना क्यों। ये विकल्प चुन सकते थे कि मैं राज्य में रहूंगा, क्योंकि दशरथ तो मान ही नहीं रहे, तो मेरा ही राज्याभिषेक होना चाहिए। और उन 14 साल में आपको मालूम है कि 1 साल किस तरीके से उन्होंने गुजारे हैं, कि पत्नी का अपहरण हो गया है या पत्नी खो गई है। कल्पना करके देखिए कि एक राजकुमार है, वो राजा की पुत्री है और पत्नी का अपहरण हो गया, और क्या मानसिकता रही होगी राम की। तो ये 14 वर्ष तक राम कर क्या रहे हैं, अकेलेपन कोई झेल रहे हैं ना। आप कह सकते हैं कि नहीं, 3 लोग तो थे, तो आप कोई जंगल में नहीं है, राम तो बिल्कुल जंगल में रह रहे थे, आप कोई शहर में रह रहे होंगे, किसी कस्बे में रह रहे होंगे, आपके आसपास लोग हैं, कुछ दिनों को निकल जाने दीजिए तो वहां आपके दोस्त बन जाएंगे, आपके शुभचिंतक हो जाएंगे, आपकी वहां दुनिया बन जाएगी, वहां लोग आपके सपोर्ट के लिए तैयार रहेंगे, सुख दुख में आपको वहां भी साथ मिलेगा। लेकिन राम के साथ तो ऐसा कुछ नहीं था। तो वो क्यों गए, क्योंकि इसमें वो अपना भविष्य देख रहे थे, इसमें वे अपने भगवान में तब्दील हो जाने की संभावनाएं देख रहे थे। वो जान रहे थे कि ये 14 वर्ष ही मुझे गढ़ेंगे। अगर राम के चरित्र से आप इन 14 वर्षों को निकाल दीजिए तो आप मुझे बताइए कि रामचरितमानस में जो राम का चरित्र है उसमें रह क्या जाएगा। जो कुछ भी उन्होंने किया है, हासिल किया, चाहे शिक्षाएं प्राप्त की हो, ज्ञान प्राप्त किया हो, योग्यताएं और क्षमताएं प्राप्त की हो, चाहे उन्होंने अपनी योग्यता को प्रमाणित किया हो रावण को युद्ध में हराकर, रावण को मारकर, ये सब इसी दौर में तो किया है। तो राम ने तो उस अकेलेपन को आमंत्रित किया था, उसे स्वीकार किया था। तो हम राम से क्या ले रहे हैं, राम से हम क्या सीख रहे हैं। मुझे तो लगता है कि रामचरितमानस अपने आप में राम का मंदिर है, जिसमें राम विराजमान है, और हम देखें कि ये चरित्र है क्या, ये हमें क्या मैसेज दे रहे हैं। और शायद इसी तरह के निर्णयों ने उन्हें भगवान बना दिया। तो मित्रों, मुझे तो ये लगता है कि जिन्हें अकेले रहने का अवसर मिला है वो एक तरीके से बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं, बहुत अधिक भाग्यशाली हैं कि उनके पास इतना सपोर्ट है। और चलिए सपोर्ट नहीं, मान लीजिए कि आपको मजबूरी में ही जाना पड़ा कि गांव में काम नहीं है, शहर जाना पड़ रहा है, कुछ कमाई करनी है, जाना पड़ा, जो भी रीजन हो, जिस वजह से भी जाना पड़ रहा, इंपॉर्टेंट वजह नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप वहां हैं, बस दैट्स ऑल। और स्थान की मित्रों बहुत बड़ी महिमा होती है, याद रखिए, स्थान की बहुत बड़ी महिमा होती है। और आप जानते हैं कि जैसी जमीन होगी, फसल उस जमीन की उर्वरक क्षमता के अनुकूल ही होती है। अगर कोई फसल कहे कि नहीं, मैं तो भैया रेगिस्तान में भी उग सकती हूं, मुझे बो करके देखो, तो फसल की भी, उस बीज की भी एक क्षमता है, एक सीमा है, एक ताकत है। लेकिन इसी बीज को अगर सही जमीन मिल जाए तो लहलहा उठेगी। तो हम स्थान को इस रूप में क्यों नहीं लेते, स्थान परिवर्तन को हमें कहीं ना कहीं एक रचनात्मक अवसर के रूप में भी लेना चाहिए। तो मित्रों, आज के इस विषय पर मैं इतनी ही बात करना चाहूंगा, इस विषय पर हम लोग आगे और बातें करेंगे। अब इजाजत चाहता हूं, नमस्कार।